हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश कुमार आपका आपके चैनल इन्वेस्ट में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एक वीडियो बनाई है जहाँ पर हमने बात करी है डीडेप प्लास्टिक से रिलेटेड 44 पे ये शेयर बताया था फिर उसके बाद 112 सौ परसेंट के हमें रिटर्न भी मिले वो भी कुछ दिनों के अंदर अंदर और फिर अभी यहाँ पर सेल की राय है ओके आ, कुछ भी हो सकता है बट मैं यहाँ पर बाइंग नहीं कर रहा हूँ अब यहाँ पर क्या है

तो उससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं चार्ट से रिलेटेड बातें करने वाले हैं और यहाँ पर इससे रिलेटेड हम देखेंगे तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे जानेंगे बट उससे पहले रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को हिट ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा रेड गिन ट्रैवल की अगर हम बात करें कंपनी करती क्या है वो जान लेते हैं रेड गेंड ट्रेवल टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज द लीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी कंपनी ग्लोबली एंड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइडर इन द ट्रेवल एंड द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इन इंडिया तुम यहाँ पर क्या कह रहा है कंपनी कंपनी कह रही है कि यहाँ पर लीडी डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी कंपनी है ग्लोबली एंड द लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सास प्रोवाइड करती हुई नजर आती है ट्रैवल को और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज को तो हॉस्पिटैलिटी और ट्रेवल की कंपनीज़ को यह अपने सात सॉफ्टवेयर होता है उसे यहाँ पर प्रोवाइड करती हुई नजर आती है और

रिलेटेड ए टू जेड इंफॉर्मेशन मिलती है वो ये इस कंपनी करती हुई दिखाई देती है डिस्ट्रीब्यूशन फोर्टी नाइन परसेंट से यहां

अदर फिफ्टीन यहां पर आता हुआ दिखाई देता है क्लाइंट की बात कर रहे हैं uh, तो यहां पर बिजनेस सर्व ओवर फोर्टीन हंड्रेड कस्टमर्स इंक्लूडिंग एट ग्लोबल फॉर्चून फाइव हंड्रेड कंपनीज तो यहां पर जो वर्ल्ड की फाइव हंड्रेड फॉर्चून कंपनीज है उसमें एट इनके यहां पर ग्लोबल कस्टमर्स भी है सिक्स कॉन्टीनेंटल होटल्स है कॉन्टीनेंट होटल्स है इंटर कॉन्टीनेंटल होटल्स ग्रुप के uh, कैसलर कलेक्शन लेमन ट्री पर पर जितने भी सारे सारे के सारे इनके बड़े बड़े पर क्या है क्लाइंट पर पर नजर आता है तो कंपनी की बात करें कंपनी का शेयर पर काफी अच्छा नजर आता है यहाँ पर और भी कुछ जानने के लिए इनकी एक बार वेबसाइट को विजिट कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर इजीली यहाँ पर अवेलेबल है सब कुछ यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि कंपनी का एग्जैक्टली exactly यहाँ पर व्यू क्या है किस तरीके से काम करती है जैसे कि यहाँ देखिए मूविंग पार्ट फॉरवर्ड विद यहाँ पर देखिए ओयो साबरे ट्रेवल पोर्ट और ये सारे के सारे बड़े बड़े नाम हैं जो ये कंपनी के साथ काम करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर रेडिन ट्रेवल टेक्नोलॉजी की तो देखिए स्मॉल कैप कंपनी है तीन हजार एक सौ पंद्रह करोड़ रुपए का यहाँ पर मार्केट कैप है और जिस तरीके से अभी होटल्स का बिजनेस हमने देखा था किस तरीके से बूम किया था अब हमने देखा था कि किस तरीके से यहाँ पर रिवेंज ट्रेवलिंग होती हुई नजर आ रही थी ओके और किस तरीके से कोविड के बाद यहाँ पर सब कुछ अब ठीक ठाक होता हुआ नजर आ रहा है तो ऐसे शेयरों को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आएगी जो हमें आगे अभी आपको दिखाऊंगा अभी मार्केट कैप स्मॉल कैप बट यहाँ पर याद रखिए गिरते हैं तो इसी तरीके से गिरते हैं, भागते हैं तो अच्छे कैसे भागते हैं कैसे यहाँ पर देखिए, शेयर यहाँ पर आया था ओके आने के बाद तीन सौ रुपए का शेयर चार सौ रुपए पे गया और अभी यहाँ पर ये यह दो रुपए के 250 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया था तो उसी के रेट के आसपास यहाँ पर ये यह शेयर चलता हुआ दिखाई दे रहा है पी की बात करें नाइनटी सेवन तो महंगा यहाँ पर आपको दिखाई देगा बट पी के बेसिस पे कभी भी शेयर को यहाँ पर बाई नहीं करते इस याद रखिएगा कुछ नहीं है बट कंपनी डेट फ्री है ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर नजर आता है कोई प्लेजिंग नहीं है एक रुपए का यहाँ पर फेस वैल्यू है पाँच का हाई लगा के ओके दो पे चल रहा है तो कहीं ना कहीं ये शेयर फिफ्टी के आसपास गिरता हुआ भी नजर आया था कंपनी की बात करें तो कंपनी यहाँ पर देख सकते हैं टेक्नोलॉजी में ट्रेवल टेक्नोलॉजी में सेल्स की बात करें तो कंपनी की जो सेल्स है यहाँ पर देखिए लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है सिक्सटी थ्री सेवेंटी टू सेवन एटी फाइव नाइन जीरो पर आप देखेंगे लगातार कंपनी की सेल्स बढ़ रही है ओके okay, यहाँ पर कंपनी का एक्सपेंसेस देखें तो एक्सपेंसेस यहाँ पर सेल्स बढ़ी है और क्वार्टरली बेसिस पे एक्सपेंसेस भी कंपनी ने यहाँ पर कम कर लिए है एम्प्लॉयज़ जो कॉस्ट थी वो यहाँ पर कम करती हुई दिखाई दी है कंपनी तो यहाँ पर आप देखेंगे एक सौ तो सात करोड़ रुपए का ही एक्सपेंस हुआ है तो एक्सपेंस को कम करने से क्या होता है कि कंपनी का जो मार्जिन है वो बढ़ जाता है तो यहाँ पर 14% का मार्जिन जो की क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे यहाँ पर क्या है बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है इसके अलावा बात करें कंपनी का नेट प्रॉफिट की तो जो कंपनी स्टार्टिंग में घाटा आपको शो कर रही थी ओके क्यों यहाँ पर घाटा था वो हम समझ सकते हैं कि कंपनी पर ट्रेवल से रिलेटेड थी और कोविड आया हुआ था तो ऑब्वियस सी बात है घाटा था बट जैसे जैसे यहाँ पर ये ओपन होता हुआ दिखाई दिया नेगेटिव से पहले जीरो पे आया और जीरो से यहाँ पर देखेंगे तो हाइस्ट एवर थर्टीन करोड़ रुपीज के प्रॉफिट पे आया जो कि ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस

है आपको बोनस दोबारा बोनस मिलता हुआ यहां पर दिखाई दे सकता है कंपनी की बोराइंग की बात करें उन्नीस करोड़ की बोराइंग कहाँ पर कभी डेढ़ सौ करोड़ की बोराइंग थी अभी केवल उन्नीस करोड़ की बोराइंग है एक सौ पचपन करोड़ रुपए इन्वेस्ट भी कर रखा है कैश की बात करें कंपनी के पास टू सेवेंटी नाइन करोड़ रुपीज़ का कैश भी पड़ा हुआ है तो कैश रिच कंपनी है सब कुछ यहाँ पर अच्छा नजर आता है डेट फ्री कंपनी यहाँ पर नजर आती है तो ऐसे शेयरों को हमें यहाँ पर चुनना है प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर देखिए फिफ्टी फिफ्टी फाइव पॉइंट एट टू परसेंट की यहाँ पर होल्डिंग है ओके okay, थोड़ी सी यहाँ पर होल्डिंग इन्होंने कम करते हुए दिखाई दी है वो भी पॉइंट्स में एस की बात करें ने भी पर हिस्सेदारी से कर दी है डी करें एस के पास भी हिस्सेदारी थोड़ी सी कम हुई है। 8 के आसपास की हिस्सेदारी आ रही है बट याद रखिए ना के बराबर कम करी है बहुत ज्यादा नहीं करी है एक साथ आएंगे और एक साथ आएंगे टूटेंगे तो ये शेयर फिर यहाँ पर भागने वाला है पब्लिक की बात करें पब्लिक 28 के ट्वेंटी के शेयर है जिसमें से आप बड़े बड़े नाम यहाँ पर देख सकते हैं सेवन की होल्डिंग एक

टेक्निकल सब कुछ यहाँ पर हमारी एक क्लास है जहाँ पर हम सिखाते हुए नजर आते हैं और किस तरीके से अच्छे शेयर को यहाँ पर खरीदना है ऊपर के लेवल पर यहाँ पर खरीदना नीचे के लेवल पे खरीदना है और कैसे खरीदना है और सही टाइम पे खरीदना है ताकि यहाँ पर अच्छा पैसा हमें बन सके तो वो सिखाया जाता है यहाँ पर टेक्निकल रिसर्च एसेट एलोकेशन और यहाँ पर फंडामेंटल और बहुत सारी चीजें थ्री मंथ्स की प्रैक्टिकल लर्निंग आपको साथ में दी जा रही है और यहाँ पर इससे सस्ता इससे अच्छा कोर्स अगर कोई दे दे तो फिर में ही पढ़ा दूंगा वन ऑन वन क्लासेस यहाँ पर चल रही है डबल एट सिक्स जीरो फाइव फोर जीरो फाइव जीरो वन एट वन सिक्स नाइन टू सिक्स वन जीरो थ्री सेवन पे आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कॉल uh, कर सकते हैं इस कोर्स से रिलेटेड जानकारी ले सकते हो और घर बैठकर पैसे कमा के और खुद के बॉस बन सकते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो चार्ट पे चलते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि लगातार शेयर शेयर में क्या हुई गिरावट 50 के आसपास पर पर गिरता हुआ नजर आया और अभी भी अगर हम यहां देखेंगे तो ये शेयर में लगभग कितने परसेंट तक गिरा था और अभी भी ये शेयर लगभग फोर्टी फाइव के आसपास की यहाँ पर गिरावट शो कर रहा है तो क्या करना चाहिए क्या हमें खरीदना नहीं चाहिए ऑब्वियस सी बात है हमें बहुत सारे पैरामीटर है जो मैं आपको यहाँ पर दिखा चुका हूँ जिस तरह यहाँ पर देखिए वॉल्यूम दोबारा इंक्रीज होना शुरू हो गए कुछ दिन पहले यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो गए थे और जब यहाँ पर वॉल्यूम धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू होते हैं तो याद रखिए चीरे क्या होती है चीरे यहाँ पर भागना शुरू करती है ओके okay? शेयर ने अभी ट्वेंटी डी के आसपास यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है चीरे और ऊपर जाती हुई नजर आएगी और जैसे ही ये पर्टिकुलर लेवल है जो इसका ओके okay? ये जो लेवल है ये एक इसके लिए क्या है स्टेज वन मैंने हमेशा आपको स्टेज 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 है श्टेज वन, श्टेज टू, श्टेज श्टेज फोर, श्टेज टू में पर शेयर खरीदते हैं बट हमने अभी स्टेज वन में खरीद लिया है क्यों खरीद लिया है क्योंकि मुझे अच्छा नजर आता है और मुझे यहाँ पर नजर आता है कि एक साल के अंदर अंदर मेरे पैसे यहाँ पर क्या होने वाले हैं डबल होते हुए नजर आ सकते हैं तो मैंने यहाँ पर इस शेयर में थोड़ी सी यहाँ पर जल्दी ही यहाँ पर शेयर को खरीद लिया है बट कोई इशू वाली बात नहीं है ओके एटी टू परसेंट का रिटर्न तो यहाँ नजर आते हैं बट एटी टू पर यहाँ पर चीजें रुकने नहीं वाली क्योंकि जब भागना शुरू करती है तो और ऊपर जाके यहाँ पर भागती हुई नजर आती है तो एटी टू परसेंट के रिटर्न के लिए मैं यहाँ पर बाइंग कर चुका हूँ जैसे ही ये पर्टिकुलर लेवल तीन सौ तेरह का लेवल है इसे यहाँ से ये यह सक्सेसफुली निकालता है याद रखिए शेयर में और ज्यादा तेजी तेजी आती हुई दिखाई देगी और जैसे कि मैं बात करता हूँ कि बाय ऑन डिप्स नहीं करना चाहिए बाय ऑन अप करना चाहिए तो आगे चल के यहाँ पर बाय ऑन अप करते रहेंगे और अच्छा खासा यहाँ पर हमारे नजर आता है कि यहाँ पर पैसा बनता हुआ नजर आएगा और जैसे ये टू हंड्रेड की लाइन को क्रॉस करेगा और शेयर में तेजी आती हुई दिखाई देगी तो अभी ट्वेंटी को क्रॉस किया है 200 को बहुत जल्दी क्रॉस करेगा जो कि यहाँ पर देखिए हमने ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्टेंस बना रखा है ये एक मेन पॉइंट है तो स्टेज वन में अभी ये शेयर चल रहा है स्टेज टू में जैसे आया इसमें आग लगती हुई नजर आएगी और बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं अपने फाइन एडवाइजर खुद की स्टडी करें और इस तरीके के शेयर को चुन के सही टाइम पे एंट्री किस तरीके से करनी है किस तरीके से आपको सब चीजें यहाँ पर देखनी है कॉन्टेक्ट कर लीजिए इन नंबरों पर ताकि यहाँ पर आपको चीजें यहाँ पर समझ में आए और सीख लीजिए पहले सीखेंगे ओके टू अर्न मोर फर्स्ट लर्न मोर ओके सीख लीजिए थोड़ा सा कोर्स है अच्छा सा कोर्स है जो आपके लिए डिजाइन किया गया सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस।